तो अब इधर की मांग कीजिएगा, इधर की मांग निकाले। सवार सवार भाई मेरा जो चार्ज है ना, वो मेरा चार्ज है कम से कम 60,000 से 70,000 रुपए पर डे लेता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अच्छा आज ना 10th का रिजल्ट आया है, तो अभी मुझे स्कूल जाना है और वहाँ पे मुझे बहुत सारा काम है, प्लस मुझे कुछ साइन भी करने हैं क्योंकि 12th का रिजल्ट बहुत दिन पहले आ चुका था। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, मुझे कॉल्स और मैसेजेस कर रहे थे कि मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना कोऑपरेट किया, हमें इतने अच्छे मार्क्स दिए। तो मतलब बहुत ज्यादा खुश थे वो। मुझे ना अभी बस एक छोटी सी टेंशन ये हो रही है कि क्योंकि अभी दोपहर हो चुकी है तो अभी मैं जाऊंगी स्कूल, तो अभी बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो कम से कम 15-20 मिनट्स का ट्रैफिक था वहां पर, तो इसका भी है। इसलिए अभी जल्दी से मुझे निकलना पड़ेगा ताकि अगर ट्रैफिक भी मुझे रास्ते में मिले तो एटलीस्ट मैं उस ट्रैफिक को अवॉइड करके जल्दी से स्कूल पहुंचूं। रिजल्ट तो ऑलरेडी आ ही चुका है, लेकिन अभी हो सकता है कि कुछ 10th के बच्चे थोड़ा घबराए हुए हों कि पता नहीं कैसे रिजल्ट आया है। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूं कि रिजल्ट आपका जैसा भी आया हो, आप आगे हमेशा मेहनत कर सकते हो। 11th 12th में बहुत सारी मेहनत करना मेन, तो देखो 12th का रिजल्ट आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। 12th के बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, ठीक है? तो 12th में अच्छे से मेहनत करना। अगर आपको लगता है कि 10th के रिजल्ट में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो क्यों, आप 12th में अच्छा कर लेना, ठीक है? उससे बहुत अच्छा आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे बच्चों के साथ है, मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा एक टेंशन ना मुझे और हो गई है, क्योंकि 10th और 12th के रिजल्ट के बाद हमारा ना एक अप्रेजल फॉर्म होता है, वो भी फिल करना है। बहुत लंबा फॉर्म होता है वो, उसमें बहुत कुछ फिल करने वाला होता है। अब वो भी मैं फिल करने बैठूंगी और उसके लिए भी 2-3 दिन मिलते हैं मुश्किल से। फाइनली वो काम भी स्टार्ट होने वाला है मेरा। एक चीज समझ में नहीं आती, ये जब भी अपने बच्चों से बात करती है यानी स्टूडेंट से बात करती है तो बोलती है बच्चे बच्चे बच्चे, 10th और 12th के बच्चे, और लिटरली मैंने इसके बच्चे देखे हैं यानी इसके स्टूडेंट देखे हैं, इससे देखने में ना 10-10 साल बड़े लगते हैं इससे भी 10 साल बड़े लगते हैं, और ये खुद बच्ची लगती है, ऐसा लगता है कि अभी ये स्कूल में खुद है। और ये सब बच्चों को ऐसे ऐसे मत कर, मेरे को ना एक और चैनल की याद आ जाती है। कौन सा? कोई एक यूट्यूब पे चैनल है जिसमें आंटी ऐसे 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 करती रहती तो इसके जो बच्चे हैं मतलब जो इसके स्टूडेंट हैं वो इससे बड़े दिखते हैं और ये बच्चे दिखते हैं। और सबको पता है कैसे ऑनलाइन कैसे क्लासेस बताती है? सुनो बच्चों, देखो मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लो, अगर किसी ने वीडियोस ऑन नहीं करी तो मैं बता रही हूँ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं कंप्लेंट कर दूंगी अब इसके जितने भी स्टूडेंट्स देखेंगे नीचे कमेंट करेंगे। बाय द वे आपके कुछ ऐसी याद होंगे ना आपके टीचर के साथ, कुछ ऐसी मस्ती वाली याद होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये पढ़ के बहुत खुश होगी कि इसको अपना स्कूल याद आ जाएगा और आपको आपका बचपन याद आ जाएगा। हमारे साथ शेयर करो यार प्लीज। ये तेरे बाल ऐसे खराब से कैसे हो गए? अरे स्मूथनिंग उतर रही है, उतर ही गई मतलब, इससे थोड़ी वैसे तेरी स्किन बेटर हो गई है। तूने किसी सब्सक्राइबर का या हमारे व्यूअर का कोई सलाम आनी थी? मैंने हाँ, मैंने एक क्रीम लिखी थी किसी ने, वो क्रीम का नाम मैं भूल गई, मैंने मंगवाई थी तो वो मैं लगा रही हूँ। थैंक यू सो मच, इतने लोगों के कमेंट्स आए थे, पता नहीं बड़े सारे सजेशंस भेजे थे लोगों ने, मुल्तानी मिट्टी और क्रीम्स के नाम भी भेजे थे, स्पेशली इतनी लंबी लंबी क्रीम्स के नाम। थैंक यू सो मच कि आप इतना ज्यादा मेरी स्किन का ख्याल रख रहे हैं। अब भगवान की दया से मेरी स्किन क्या पता जल्दी ठीक हो जाए, पहले की तरह ग्लोइंग स्किन हो जाए, ग्लोइंग स्किन। ये क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? अरे मैं इसको बता रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि यहाँ से थोड़े से ऐसे बाल ऐसे कर्ली हो रहे ना, तो अब इधर की मांग कीजिएगा, इधर की मांग निकाले। तो ये देखो अब मैं इसके ऐसे कर रहा हूँ सेट, मेकअप आर्टिस्ट बन रहा है, मेकअप आर्टिस्ट बन रहा हूँ मैं, प्रॉपर हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट नहीं हेयर स्टाइलिस्ट। सवार दू सवार दू लेकिन मैं वाली पार्टीशन ज्यादा सूट नहीं करती पति अबे, लेकिन अभी अभी के लिए तो जैसे वहां से कर्ली हो रहा है तो यहाँ से ये वाले पार्टीशन रखना। अच्छा एक्सपर्ट बंदे आपके हेयर स्टाइल बना रहे हैं फिर भाई? मेरा जो चार्ज है ना वो मेरा चार्ज है कम से कम 60,000 से 70,000 रुपए पर डे लेता हूँ मैं हेयर स्टाइल, नहीं डे। अच्छा डे कोई नहीं देगा हम हेयर स्टाइलिंग के, तो मैं बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिंग आर्टिस्ट हूँ। तो देखो तेरे तो खुशकिस्मत है कि मैं तेरा बाल बना रहा हूँ। कुछ भी चलो सही लग रहा है, दिखाओ मीनाक्षी। अरे वाह, पति देव ने मेरा हेयर स्टाइल बना दिया, मैं थोड़ी सही लग रही हूँ, अब मैं थोड़ी वैसी लग रही हूँ, पुराने जैसी, पहले जैसी लगती थी, पहले जैसी लग रही हूँ। हाँ। क्यों बीच में क्या मैं नहीं आ गई थी? लाल क्यों हो गई है तैयार अपने स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह? यहाँ पर चीकू सिंह के बारे में एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं, इतना शरारती है ना ये, इतना ज्यादा। लोग कहते हैं लीश बांध के मत रखा करो, हम लीश नहीं बांधते हैं, लेकिन जब नीचे घूमने जाता है ना तो भाग जाता है इधर उधर। अभी भी इसने क्या किया है, एक हाथ जो है वो निकाल लिया अपना, लीश में से निकाल लिया और दूसरा हाथ डाला हुआ, दिखाइयो कितना कितना शरारती है तू, कितना शरारती है और कितना क्यूट है। आसन शुरू,
योगा मैट पे जो छोटे बच्चे नहीं होते नहला धुला के एक बदन में बांधते हैं हाँ। फिर धीरे धीरे जब उनकी नींद पूरी होती है ना फिर ऐसे करके अंगड़ाई लेते हैं और बदन में से एक हाथ निकलता है फिर ऐसे करके अंगड़ाई लेते हैं बदन में से दूसरा हाथ निकलता है सेम इसका हाल है एक लीच में से हाथ निकल गया ये तो हो गई है तैयार तू जा हम दोनों जा रहे हैं नहाने मेरे को भी काम है और मैं भी जल्दी जल्दी निकलूंगा चल टाटा बाय टाटा बाय बाय जा रही है नहीं जा रही तो नाश्ता करके जा नहीं वैसे मुझे ना स्ट्रेस में खाने आता मुझे खाना जल्दी जल्दी मेरे को तसल्ली से आराम से फुर्सत में खाना खाने का तेरे को फुर्सत कभी मिलती नहीं मेरे को आधा पौना घंटा चाहिए खाने के लिए पूरा पति दे वो तेरे को मिलती नहीं वो मेरे को मिलती जल्दी जल्दी में देंगे तो थोड़ा सा खाएगी फिर आगे कहेगी मेरा पेट भरा हुआ है अब कम से कम फ्रूट खा लेगी तो आके अच्छे तरीके गलत है ना गलत तो है ही जैसे ही मैं निकली स्कूल के लिए वैसे ही बारिश शुरू हो गई और दिल्ली में तो हल्की सी बारिश होती है ना तो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है आप सभी को पता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया जगह जगह थैंक गॉड अब रास्ता थोड़ा सा साफ हुआ है अब आगे मेन जो ट्रैफिक वाला एरिया है वो बस साफ मिल जाए मुझे आधी टेंशन भी वहीं पे खत्म हो जाएगी दिल्ली में ना मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता है अभी बारिश आ रही थी और एकदम से इतनी तेज धूप निकल आई है लेकिन चलो अच्छा ही है क्योंकि बारिश में थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है तो मैं इस चीज से खुश हूँ कि जिस जगह पे मुझे ट्रैफिक मिलता है आज वहाँ पे मुझे ट्रैफिक नहीं मिला क्योंकि धूप निकल आई है स्कूल में फाइनली पहुंच चुकी हूँ और आज टाइम से पहुंच गई अभी वहाँ पे जाके मुझे बहुत सारा काम है मैं स्कूल से काम करके आती हूँ और आपसे जल्दी मिलती हूँ A few moments later. मैं ना अभी घर आई और ये ना मेरे सामने एसी के सामने बैठ गया चीकू इस उम्मीद में कि मैं एसी चलाऊंगी आज एसी चलाऊंगी आज एसी चलाऊंगी आज बैठ जा चलाऊ एसी एसी चाहिए तेरे को चलिए मैंने चला दिया हाँ इधर चलाई नहीं तो रहन दो फिर आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ना चीकू ने रेडकिल खा लिया था उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो काफी लोगों ने थैंक यू सो मच सजेशंस भी दिए थे कि आप घर पे रेडकिल मत रखिए आप चूहेदानी रखो मैं और मम्मी यही पास में एक मार्केट है वहाँ पर चूहेदानी लेने जा रहे हैं और चूहेदानी के साथ साथ दो चार सामान और भी लेने थे मेरे घर के पैसे मेरे तो घर के भी पास पड़ती है मार्केट में आज तक नहीं गई उस मार्केट में आज मैं पहली बार देखूंगी वो मार्केट थैंक यू व्यूअर्स आपने हमारे चीकू के लिए बहुत विशेष भेजी उन विशेष की वजह से चीकू आज हमारे पास है अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और मस्ती भी कर रहा है और एसी के सामने भी बैठ रहा है और परेशान भी कर रहा है हम सबको चूहे दानी है क्या चूहा दानी है क्या नहीं सोफा साफ करने का ब्रश है ये सही है ये किस चीज का ब्रश है सोफा साफ करने का चीकू के रोए आ जाते हैं ना उसपे हाँ उसको साफ करने के लिए अच्छा सोफा साफ हो जाएगा कुत्ते के ब्रश वो बाल लगते हैं पकते हैं अभी हम पहली शॉप पर आए हैं वहाँ पे तो हमें चूहेदानी मिली नहीं भैया ने मना कर दिया चूहेदानी नहीं है और एक दो शॉप जो और हम सोच के आए थे वो तो बंद ही पड़ी हैं अभी देखते हैं अगर यहाँ पे कोई और शॉप मिलती है जहाँ चूहेदानी मिल जाए तो पापा और पतिदेव ऑफिस जाते हैं तो उनको टिफिन रखने के लिए ना ऐसे जूट बैग्स चाहिए होते हैं तो हमने दो जूट बैग्स लिए हैं अब देखते हैं से पापा को कौन सा पसंद आता है पतिदेव को कौन सा पसंद आता है ये मम्मी ये कितनी तरह की टॉफियां हैं ये कौन सी हैं ये चूरन की गोलियां हैं ये वाला जो चार रक्षाबंधन आने वाला है तो हर जगह राखियां मिलनी शुरू हो गई हैं मम्मी ने भी पनीर लिया है तो ये डॉगी मम्मी के पीछे आ गया आ रहा है पनीर खाने के लिए मम्मी पनीर खाना है इसको पनीर सबको पसंद है जो तो ये दोनों तो भाई लग रहे हैं मुझे भाई दोनों भाई पनीर खाएंगे पनीर पकड़ लेगा ना गोलगप्पे जहाँ दिखते हैं वहाँ पे खाने का मन तो बहुत ज्यादा कर जाता है लेकिन क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए हम नहीं खाएंगे बारिश के मौसम में ना जो मुझे ऐसा लगता है जो आलू होते हैं गोलगप्पे के वो भी थोड़े जल्दी खराब हो जाते हैं ना मम्मी वो भी और पानी का डर लगता है और पानी का भी डर लगता है तो बारिश के मौसम में बाहर का जितना मर्जी मतलब जितना करो उतना ज्यादा अच्छा है हम बाजार से नहीं खरीदते 160 मक्खी जीरे वाली बहुत बेस्ट होती है भाई आगे कोई भी आइटम पसंद ना खुली है बेस्ट होती है भैया तो आप मम्मी को ट्राई कराओ एक बार मम्मी ट्राई करके बताओ मट्टी मैंने नहीं लिया था नहीं लिया मम्मी जी मैं खाऊंगा वो आपकी मर्जी बहुत सारे हैं वैसा मम्मी मैं तो खाती नहीं क्वालिटी कैसी लगी बात की बात लेने वाली ये बढ़िया था गुरु मीठा पानी पूरी चटपटा मसाला अच्छा ये दो तरह के पानी होंगे भैया हाँ जी ये मीठा है ये खट्टा है वो सिले हुए तो नहीं होंगे बिल्कुल नहीं ये सूजी के मम्मी हाँ जी सूजी के सूजी और आटा दोनों नहीं नहीं ये सूजी के आटे का लगे आटे के ऊपर लगे हुए जी ये बड़ा महंगा नहीं है 100 रुपए नहीं दीदी 80 रुपए का है 20 रुपए लेस है एक पैकेट पे आपको गोलगप्पे में खाली खाने सूजी का एक पैकेट आप लेके तो आए थे मम्मी वैसे अभी वो कौन से हैं सूजी के आटे के हैं आटे वाले हल्दीराम एक सूजी का ले लो ले लो आटे का लेने नहीं आटे नहीं खाती मैं लाल ये खा के देखिए
मार्केट ना मेरे घर के बिल्कुल पास है, लेकिन मैं आज तक नहीं आई, आज पहली बार आई हूँ इस मार्केट में। काफी बड़ी मार्केट है, खाने पीने के स्टॉल्स और बाकी जो मतलब रोज जरूरत की चीजें होती है वो सब यहाँ पे मिल रही है। ये कौन कौन से पकौड़े हैं भैया? मूंग दाल के, आलू के, गोभी के, पालक के, हरी मिर्च। पतिदेव को ना दाल करारे बहुत पसंद है और मिर्च के पकौड़े भी बहुत पसंद है, तो पापा पतिदेव दोनों के लिए मिर्च के पकौड़े और दाल करारे और आलू के भी पकौड़े सारे लेके जा रहे हैं हम। ये जो पकौड़े और दाल करारे लिए है ना, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इस वक्त कार में बैठ के। वैसे तो मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, मैं खाना खा के निकली थी मम्मी के साथ, लेकिन इसकी खुशबू से ना मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं घर जाके टूटने वाली हूँ इन पकौड़ों के ऊपर। आपके लिए सॉफ्ट लाई हूँ पति देव मैं ये वाली। ओए होए, एक दो तीन चार पाँच अलग अलग तरीके की सॉफ्ट। पहले कौन सी खाऊं? मेरे को तो पर्सनली वो वाली अच्छी लगती है, वो व्हाइट वाली है ना। मुझे पता था तुझे। आओ कैसे बता, मैं पहली बार मिला हूं ना तेरे से, जानता नहीं मैं तेरे को। ये ना इस तरीके की सौंफ ना बचपन में मिलती थी अलग अलग तरीके की, इतने साल बाद नॉस्टैल्जिया हो रहा है ये वाली सौंफ देख के। इस सौंफ को देख के याद आया, एक ना पेन होता था जिसमें चार ऐसे अलग अलग रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक। हाँ, तो इसको देख के याद आया। जितने भी लोगों को वो याद है ना, नीचे कॉमेंट में सेक्शन में बताओ कि अगर आपको भी याद है कि नहीं। तो बड़ा सही होता था यार, अलग अलग तरीके के कलर होते थे और वो स्पेशली खरीदता था। मुझे याद है शायद रेट तो याद नहीं कितने रुपए में खरीदा, लेकिन खरीदा जरूर था। और आज और ये देखती है। हाँ हाँ, ये सबसे बड़ा वाला समोसा लाया हूँ आपके लिए। यार मैं लिटरली ना एक बात बताऊँ, मैंने ना एक चैलेंज लिया था कि मैं पतला होऊंगा, लेकिन अगर इस तरीके से खिलाते रहोगे मैं कैसे पतला होऊंगा, मैं इतना मोटा होता जा रहा हूँ। अरे काम मोटा भी देखो कितने पतले पतले तो हाथ हैं आपके, देखो बेचारे मेरे पति देव। अच्छे खाते पीते करके हुआ पति देव तो अपना समोसा एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपसे मिलती हूँ कल, आपसे आज मेरे को अलविदा लेना पड़ेगा और कल नई एक्साइटमेंट के साथ नई जोश के साथ हम मिलते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले अभी ना मम्मी एक बड़ा अच्छा गाना गुनगुना रही थी, तो मैं चाहूंगी मम्मी हमारी फैमिली को थोड़ा सा फिर से एक बार जरा गा के थोड़ा सा गाना। मम्मी जो तुमको वो पसंद वही बार करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच अपने पूरे दिन में थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए, हमारा ब्लॉग देखने के लिए। जाने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए। जल्दी मिलते हैं और मम्मी की तरह गाते रहिए।